ये समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए लोग सिर्फ बौखलाए हुए हैं, झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो ऐसे समाजवादी पार्टी के गुंडे कह सकते हैं, जब नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन बौद्ध भीमराव दस्त न्यूज चैनल से। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के सुराव विधानसभा अध्यक्ष माननीय संतोष पाल जी। आज हम इनसे बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी सुराव विधानसभा में क्या रोल देगी जी। आज हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि ब्राह्मण समाज का प्रबुद्धि जनों का सम्मेलन हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश मिश्रा जी पूरे प्रदेश में चलकर ब्राह्मणों को जगाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगले बहुजन समाज पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर जी आगामी 28 तारीख को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने के लिए इधर इलाहाबाद प्रयागराज में आ रहे हैं। हम लोग उनकी तैयारी के संबंध में पूरे विधानसभा सुराव में घूम घूम कर लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, बहुजन समाज पार्टी में पहले एक नारा लगता था 15 छोड़ 85 जोड़, तो फिर यहाँ पे 15 को क्यों जोड़ा जा रहा है? बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज को लेकर, सर्व समाज के हित को लेकर पूरे प्रदेश में सर्व समाज को लेकर चलने का काम कर रहे हैं जी। जी जी, अच्छा 2017 का जो विधानसभा चुनाव था, आप सुराव विधानसभा में लगभग कितने वोटों से हारे हैं और आप उसकी भरपाई कैसे करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में? लगभग हम लोग 15,000 के नियर अबाउट वोटों से हारे हैं, जबकि पूरे इलाहाबाद जनपद में 12 सीटें हैं। ये सुराव विधानसभा सुरक्षित सीट है, यहाँ हम लोगों ने सेकेंड पोल किया। अब तमाम समाज में तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ बोलकर अच्छे दिन तमाम प्रलोभन देकर जनता को गुमराह करके वोट लिए, अब सभी साथी जान गए हैं, सभी मतदाता जान गए, सर समाज के साथी जान गए हैं इनकी कथनी करनी में कितना अंतर है। अब लोगों ने माननीय बहन जी को याद कर रहे हैं, उनके 5 साल के शासनकाल को याद कर रहे हैं, जैसा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारा मान्य हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी देती हैं, उस पर करके दिखाती हैं जी। जी जी, सर एक सवाल और है आपसे कि बहुजन समाज पार्टी प्रयागराज में जो ये जिला अध्यक्ष हर 6 4 या 6 महीने में बदला जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी को कोई एक ऐसा चेहरा मिल नहीं पा रहा है कि जो जिला अध्यक्ष का पद संभाल सके, या फिर ऐसे ही कैलेंडर की तरह जैसे हर वर्ष कैलेंडर बदला जाता है, इस तरीके से हर 6 या 4 महीने में जिला अध्यक्ष बदला जाता है? बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी के जो आटोलॉजी है ये तमाम पार्टियों से अलग हटकर है जी। तमाम देश में जो गांधीवादी गांधी की विचारधारा वाली पार्टियां हैं उनसे हटकर ये अंबेडकरवादी विचारधारा की पार्टी है। यहाँ कोई अस्थाई पद नहीं होता जी। जी, माननीय हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के अलावा कोई पद अस्थाई नहीं होता। कब किसको जिम्मेवारी मिल जाएगी, कब किसको छुट्टी मिल जाएगी, ये हमारी नेता का दिशा निर्देश होता है। कब किनको कहाँ लगाना है, कब किसको बढ़ाना है, कब किसको घटाना है, यहाँ कोई अस्थाई पद नहीं है बहुजन समाज पार्टी। अच्छा सर, एक सवाल और है आपसे कि जो एक नई पार्टी उभर कर आ रही है बहुजन समाज के लिए, जिसका नाम आज़ाद समाज पार्टी है, जिसके चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, आपको क्या लगता है कि वो 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का जो दलित वोट बैंक है उसका नुकसान करेंगे बसपा के लिए, या फिर आज़ाद समाज पार्टी 0 सीट पर सिमट जाएगी? ये भाजपा द्वारा प्रायोजित लीडरशिप है, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बहुजन समाज के दलित के साथ में पिछड़े और सर्व समाज के लेकर जो गरीब पिछड़े और अल्पसंख्यक लोग हैं वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेता मानते हैं। इनका आने जाने से कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है 84 के पहले DS4 बम से के बाद 84 के बाद तमाम नेता आए और गए और वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनका कोई मतलब नहीं है।
जी। हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी जिला प्रयागराज के जिला सचिव माननीय प्रवीण भारती जी मौजूद हैं। सर, आपसे एक सवाल है कि जैसे जो ओबीसी वोट बैंक है, कहीं ना कहीं बसपा के खाते से खिसक रहा है। जैसे मान लीजिए पटेल वोट बैंक है अनुप्रिया पटेल जी के माध्यम से, और जो मौर्य वोट बैंक है, जो कुशवाहा का वोट बैंक है केशव प्रसाद मौर्य के माध्यम से, तो आप 2022 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को कैसे बसपा में शामिल करेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। इसमें दलित के साथ साथ पिछड़ा और अल्पसंख्यक के साथ साथ सर्व समाज में सवर्ण समाज के लोग भी भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर नेता की बात आप कर रहे हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे जो भी नेता हो, नेताओं को देखकर बहुजन समाज पार्टी से लोग नहीं जोड़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन और मूवमेंट है, उस मिशन और मूवमेंट से लोग जुड़े हुए हैं। उसमें मिशनरी लोग आज भी जुड़े हैं। इसी कड़ी में 28 तारीख को विशाल पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होने जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि पुलिस लाइन, जो इलाहाबाद पुलिस लाइन है, उसमें उसी के जस्ट सामने सारस्वत पैलेस है, उसमें सभी पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे मौर्य हों, चाहे पटेल हों, सब लोग आदरणीय बहन जी को नेता मान करके उनके नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए सब 28 तारीख को भारी जनसैलाब वहां उपस्थित रहेगा। सर, आपसे एक आखिरी सवाल है कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव होगा, उस पर बसपा कितनी सीट लाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है पूरे प्रदेश में बहुत ही तैयारी के साथ, बहुत ठोस रणनीति के तहत, माननीय बहन जी के दिशा निर्देश के तहत सभी समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। और हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश के आगामी जब चुनाव होगा, उसका जब रिजल्ट आएगा, तो बहुजन समाज पार्टी की 300 प्लस सीटें रहेंगी। 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि क्या कहते हैं, वो 350 प्लस जाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए लोग सिर्फ बौखलाए हुए हैं, झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो इनका जो एक तरह से समाजवादी पार्टी के गुंडे कह सकते हैं, जब इन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आम लोगों का जो है जीवन जो है बहुत दूभर हो जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी को 2017 तक जनता ने देखा ही नहीं, झेला भी है, तो वो 2022 में समाजवादी पार्टी को तो बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार से ऊब करके बहुजन समाज पार्टी को लोग जो है विकल्प के रूप में देख रहे हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। ये समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए लोग सिर्फ बौखलाए हुए हैं, झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो इनका जो एक तरह से समाजवादी पार्टी के गुंडे कह सकते हैं, जब इन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आम लोगों का जो है जीवन जो है बहुत दूभर हो जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी को 2017 तक जनता ने देखा ही नहीं, झेला भी है, तो वो 2022 में समाजवादी पार्टी को तो बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार से ऊब करके बहुजन समाज पार्टी को लोग जो है विकल्प के रूप में देख रहे हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी।